हमारे जो मातृभूमि के वीर शहीदों को हमने पुष्प चक्र अर्पित करना है, सबसे पहले लाइन अध्यक्ष लाइन रणजीत सिंह भाटिया, और आपसे निवेदन कृपया शांति बनाए रखिएगा कुछ क्षणों के लिए। 15 अगस्त के पूर्व शहीदों के लिए नमन का एक कार्यक्रम जो उनके द्वारा हर साल किया जाता है, निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। ये कार्यक्रम इस बात को संकेत देता है कि इनको मातृभूमि से प्यार के साथ साथ में आगे हमारी पीढ़ियों में ये कार्यक्रम होता रहा है, और हमारी स्वतंत्रता में जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी, और देश जो हमारा आज़ाद हुआ था और कैसे आज़ाद हुआ और हमारे देश की क्या निशानी है, इस सब बातों को ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे ढंग से शहीद लोगों को नमन करते हुए आज की शाम किया जाता है। सादर सभी शहीदों को, देश के शहीदों को नमन करते हुए पुनः लायंस क्लब के सभी सम्मानित जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर वर्ष मिले वतन पे मिटले वालों का यही बाकी निशा होगा। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, और यह राष्ट्र सनातन, पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन होते हुए भी नित्य नूतन है। नवीनता है इस राष्ट्र के अंदर, और भारत फिर से एक बार जिस गति में विकास हो रहा है, आने वाले समय में पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज जिस प्रकार से भारत की ओर ऐसे कुदृष्टि करने वाले कुछ देश हैं, किंतु उनको परास्त होना पड़ेगा। अपने सील, अपने तेज पौरुष से यह देश आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को हृदय से शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि देश के लिए प्यार और देश के प्रति जो समर्पण क्लब द्वारा जो आयोजित किया गया उस कार्यक्रम में देखने को मिला, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि 15 अगस्त जो हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व पे आप चाहे 2 मिनट अपने लिए निकालें, पर देश के जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करें, एक नमन अपने अर्पित करें, ताकि हमें अपने भारतीय होने का गर्व हो। जिस देश को पाने के लिए हमारे वीरों ने अपना बलिदान किया, वो बलिदान पूर्ण हो, ऐसी मेरी आशा है। और सबको 15 अगस्त की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैसेज अरुणा चावड़ा।